जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं 2022 के, तो उन्हीं सब के लिए साथियों हम रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं। और हम इस समय देख रहे हैं हिस्ट्री की क्लास, ठीक, इतिहास की क्लास चला रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है, और हिंदी पढ़ा दिया, स्टैटिक जीके पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हम साथियों इस समय देख रहे हैं इतिहास, और इतिहास का हमारा ये तीसरा वीडियो है। देखिए, इसके पहले अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाते हैं साथियों, ऐसा आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, और जैसे ही आप आते हैं ना, देखिए आपको मिल जाएगा UP SSSC पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। तो यहाँ पर आपको पेट की सारी क्लासेस लगी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, यहाँ से कभी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो देखिए हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ना। देखिए जैन धर्म, ठीक है, देखिए जैन धर्म में जैन का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको बता दें कि जैन शब्द संस्कृत के जिन धातु से बना है, मतलब जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता, यानी कि जिसने दोस्तों जीत लिया हो किसको, इंद्रियों को, किसको दोस्तों, इंद्रियों को जीत लिया हो, मतलब जो इंद्रियां होती है आपको उनको उसमें बस में कर लिया हो साथियों, वही क्या कहलाता है, जिन कहलाता है, ठीक। और जिन का अर्थ किससे लिया गया है, जैन से, ठीक है। तो समझ गए होंगे, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, ठीक है। और आपको बता दें कि जो जैन महात्मा होते हैं दोस्तों, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, ठीक है। और जैन धर्म के अधिष्ठाता को, यानी जो एक हिसाब से कह सकते हैं जो गुरु होते हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। और आपको बता दें कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए। कौन, कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए, और 24वें हमारे महावीर स्वामी जी हुए, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि कौन कौन से तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के तीर्थंकर दोस्तों जो प्रमुख है, देख लेते हैं। प्रथम दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव। क्या, ऋषभदेव, जिन्हें हम जैन धर्म का संस्थापक बोलते हैं। क्या आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव। दूसरे थे दोस्तों अजितनाथ जी, और फिर उसके बाद 22वां याद रखेंगे कौन थे, अरस्टनेमी। और 23वें थे दोस्तों पार्श्वनाथ, और 24वें है दोस्तों महावीर स्वामी, ठीक है। आपसे 24वें बहुत पूछा आएगा दोस्तों, और संस्थापक पूछा था, तो संस्थापक कौन होंगे, ऋषभ देव जी। और 24वें कौन होंगे, अंतिम कौन होंगे मेरे दोस्तों, तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। चलिए तो अब हम साथियों महावीर स्वामी के बारे में कुछ देखने वाले। पहला चीज दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ, तो साथियों आपको पता होना चाहिए, जन्म इनका हुआ है 540 ईसा पूर्व। देखिए ईसवी नहीं बोली, ईसा पूर्व दोस्तों, ईसा पूर्व हमेशा घटता है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों वैशाली पड़ता है, वैशाली के कुंडल ग्राम में, ठीक है, वैशाली के कुंडल ग्राम, यानी कहाँ पड़ता है ये, तो बिहार में, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, बिहार के दोस्तों वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ दोस्तों, वैशाली जिला है, वहां के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगर हम मृत्यु की बात कर ले, तो दोस्तों 468 ईसा पूर्व में पावापुरी दोस्तों राजगृह पड़ता है बिहार में, वहां इनकी मृत्यु हुई साथियों, ठीक है। तो यार कहीं 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह बिहार में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो सिद्धार्थ नाम था। आप बताओ सिद्धार्थ दोस्तों बचपन का नाम किसका था, गौतम बुद्ध का ना, तो पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, और वो वज्जी संघ के ज्ञातक कुल के थे दोस्तों, ठीक है। और इनकी माता का नाम त्रिशला था साथियों, ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, ठीक। कौन, इनकी माता जी का नाम था त्रिशला। और इनके दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान महावीर दोस्तों, क्या नाम था इनका, वर्धमान नाम था, वर्धमान महावीर के नाम से इनको बचपन में जाना जाता था। इनकी पत्नी का दोस्तों शादी हुई इनकी, तो पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, यशोदा नाम था। किस गोत्र की थे, तो दोस्तों कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पुत्री का नाम क्या था, तो प्रियदर्शना था, जिनको अलोज्या भी कहते हैं, ठीक है, प्रियदर्शना नाम था इनकी पुत्री का, जिसका नाम अलोज्या भी था, ठीक है। और इनके दामाद, यानी कि इनके पुत्री के जिसकी शादी हुई दोस्तों, पुत्री से जिसकी शादी, उसका नाम क्या था, जमाली, ठीक। और याद रखेंगे इनके जो पहले जो दामाद थे दोस्तों, यही इनके प्रथम शिष्य बने, किसके, महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे, इनके दामाद कौन, जमाली, ठीक है। और दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि महावीर स्वामी की भाषा क्या थी, तो प्राकृत,
कैसी भाषा थी दोस्तों? प्राकृत भाषा थी। ठीक, किसकी? महावीर स्वामी का। अगर आपसे पूछता है कि किस में दोस्तों इन्होंने प्रवचन दिए या फिर दोस्तों उपदेश दिया, तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, अब देखिए ये ग्रह कब त्यागते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि ग्रह त्याग यानी घर से कब जाते हैं दोस्तों, ये 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से दोस्तों ये घर को त्याग देते हैं। और इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती, तो याद रखेंगे दोस्तों ज्ञान प्राप्ति जम्बिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। देखिए साल वृक्ष के नीचे, देखिए वृक्ष कौन सा, साल। देखिए बौद्ध बुद्ध जी को किसके, पीपल के, और इनको साल वृक्ष के नीचे। ठीक, उनको निरंजना नदी दोस्तों, इनको ऋजुपालिका नदी। ठीक, याद रखेंगे ये चीज़ें, आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, देखिए जम्बिका गांव के कहाँ, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। देखिए 30 वर्ष मैंने छोड़ा और 12 जोड़ देंगे ना तो 42 हो जाएंगे, यानी कि 42 साल के जब थे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। और इन्होंने जो प्रमुख उपदेश दोस्तों दिया, कहाँ दिया, तो याद रखेंगे राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर दोस्तों इन्होंने उपदेश दिए। और इनकी प्रमुख उपाधि क्या थी, केविलिन हो गए, जिन हो गए, निग्रंथ हो गया और अहर्त हो गया दोस्तों। ये इनकी चार क्या थी, उपाधियां थी। क्या थी साथियों? इनकी चार उपाधियां थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इनके पांच व्रत, ये पूछा था साथियों पांच व्रत, जैन धर्म के पांच व्रत दोस्तों थे, उनको याद रखना। एक होता अहिंसा दोस्तों, अहिंसा मतलब आप जानते होंगे कि हिंसा ना करना, किसी को ना मारना। ठीक है, सत्य, सत्य बोलना। ठीक, अस्तेय दोस्तों, अस्तेय क्या होता, चोरी ना करना दोस्तों। तीसरा व्रत क्या था, अस्तेय दोस्तों, इसका मतलब होता है कि चोरी ना करना। अपरिग्रह क्या होता दोस्तों, अपरिग्रह दोस्तों, अपरिग्रह मतलब त्याग कर देना दोस्तों, है ना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग कर देना अपरिग्रह कहलाता है। और ब्रह्मचर्य दोस्तों, आपको पता है कि ब्रह्मचर्य की जिंदगी जीना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये आपसे पूछेगा, देखिए चार जो व्रत है ना, ये चार महाव्रत किसने दिए थे, तो दोस्तों पार्श्वनाथ जी ने। चार महाव्रत किसने दिए, पार्श्वनाथ ने। और दोस्तों पांचवा जो ब्रह्मचर्य है ना, इसे महावीर स्वामी ने दिया था। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह किसने दिया, तो पार्श्वनाथ ने, और ब्रह्मचर्य किसने दिया, तो ये महावीर स्वामी ने दिया। ठीक है, चलिए और दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो कौन कौन से त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम और सम्यक आचरण दोस्तों, है ना, दर्शन, ज्ञान, आचरण, सम्यक ज्ञानम, सम्यक दर्शनम, सम्यक आचरण। ठीक है, तो तीन क्या है दोस्तों, त्रिरत्न है। ठीक है, क्या है, इनके जैन धर्म के त्रिरत्न है साथियों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान की बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से ज्ञान प्राप्त। पहला है मति, यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान, अगर इंद्रियों से तुमको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम मति बोलते हैं। श्रुति क्या होता है, उसे सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको श्रुति बोलते हैं जैन धर्म में। और अवधि क्या होता है, उसको दिव्य ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको अवधि बोलते हैं। और मनः पर्याय क्या होता है, कि अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क ज्ञान क्या कहलाता है, मनः पर्याय। और कैवल्य क्या होता है, पूर्ण ज्ञान, अगर किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता तो कैवल्य हो जाता है। महावीर स्वामी को दोस्तों जब ज्ञान की प्राप्ति होती 42 वर्ष में, तो वो कैवल्य कहलाते, क्या कहलाते हैं, कैवल्य कहलाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जैन साहित्य की बात करते हैं दोस्तों, इनके साहित्य को हम क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम बोलते हैं। इसमें आपको बता दें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद, 6 जो है छेद सूत्र है, और 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, और 1 क्या है साथियों, अनुयोग द्वार है। किसमें, आगम में। ठीक है, अब दोस्तों इनके हम संगीतिक बात कर ले, तो 2 प्रमुख संगीति होते हैं दोस्तों बौद्ध जैन धर्म में। पहली संगीत देखते हैं कहाँ हुआ था दोस्तों, पाटलिपुत्र में। पहली संगीत कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र। समय क्या था, 300 से दोस्तों 298 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, और विशेष क्या हुआ साथियों, इसी समय ना पहले संगीत में, पहले दोस्तों संगीत में क्या होते हैं, जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है, यानी कि 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है दोस्तों। पहला दिगंबर दोस्तों, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में, आप याद रखेंगे कि दिगंबर किसके नेतृत्व में, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग दिगंबर को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये लोग वैसे दोस्तों दिगंबर दिशा ही जिनका अंबर, यानी कि ये लोग दोस्तों नग्न अवस्था में रहते, ये दोस्तों कपड़े नहीं पहनते थे। दूसरा दोस्तों श्वेतंबर, स्थूल भद्र के नेतृत्व में दोस्तों श्वेतंबर हो गए, और दोस्तों ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते, यानी सफेद वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इनको श्वेतंबर कहा गया दोस्तों। देखिए
याद रखेंगे, आपको पूछा जाएगा कि किसके नेतृत्व में स्वतंबर हुए दोस्तों, तो आपको पता है स्थूलभद्र। तो याद रखना बहुत अच्छे से, स्थूलभद्र स्वतंबर, ठीक है, और भद्रबाहु दिगंबर। देखिए यहाँ पे दा रहा था, यहाँ पे दिगंबर कर लेना भद्र में, और यहाँ पे स्थूल, देखिए स्थूल में आधा साइज आ रहा था, आधा साइज आ रहा था, तो स्वतंबर कहाँ, स्थूलभद्र, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आपको याद रखना दोस्तों। द्वितीय संगीति की बात करते हैं, तो द्वितीय बौद्ध संगीति सॉरी जैन संगीति दोस्तों कब होती है, स्थान क्या था, बल्लभी था, कहाँ, गुजरात में, अध्यक्ष कौन थे, देवा क्षमा श्रवण थे, और समय 512 ईस्वी था, ठीक है। चलिए कुछ प्रतीक देख लेते हैं जैन धर्म के, कुछ प्रतीक देखते हैं दोस्तों कि देखिए ऋषभ देव का क्या प्रतीक था, तो ऋषभ देव दोस्तों क्या प्रतीक था, तो सांड या फिर वृषभ, है ना। और अजित नाथ दोस्तों हाथी था, शांति नाथ का दोस्तों हिरण था, देखिए हिरण एकदम शांत था दोस्तों। पार्श्वनाथ, पार्श्व मतलब होता है दोस्तों सांप जैसा ना, तो सांप हो गया। और महावीर, जो महान वीर होता है दोस्तों, सिंह को हम वीर कहते हैं ना, शेर को वीर कहते हैं, तो महावीर का क्या होता है, सिंह होता है। ऋषभ देव का सांड, ऋषभ का सांड दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अजित नाथ का हाथी, और शांति नाथ का दोस्तों हिरण, पार्श्वनाथ का सांप, और दोस्तों महावीर स्वामी का सिंह। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब आपको बता दें भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना संस्कृत भाषा में करते हैं दोस्तों, और भगवती सूत्र आप जानते होंगे, भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित दोस्तों भगवती सूत्र, और मैं आपको बता दूं भगवती सूत्र के बारे में कि दोस्तों ये महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है, तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। आपको पता होगा कि दोस्तों जो बौद्ध और जैन धर्म के पुस्तकें थी, जैसे बौद्ध धर्म का दोस्तों, ठीक है, और जैन धर्म दोस्तों भगवती सूत्र थी, इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। और आपको बता दें कि जैन धर्म में दोस्तों कृषि और युद्ध दोनों वर्जित थे, यानी ये लोग ना तो कृषि पे करते थे और ना ही दोस्तों युद्ध करते हैं, ठीक है। और इन लोगों को पुनर्जन्म हुआ कर्मवाद पे विश्वास है, यानी ये लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और मैं आपको बता दूं साथियों कि जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी, और जैन धर्म को मानने वाले दोस्तों शासक कौन थे, तो खारवेल था, ठीक है, अजात शत्रु, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, को पता है ये अंतिम समय में अपने प्राण को त्याग करते, किस विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा, कहां पर जा करके दोस्तों, तो ये चीज आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये अंतिम समय में दोस्तों कहां जा करके संलेखना विधि द्वारा दोस्तों अपने जीवन का त्याग करते हैं दोस्तों, और उदयन और संप्रीति दोस्तों ये जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। चले साथियों, तो आपको बता दें एक बार जरूर जाइए आप इस प्लेलिस्ट पर, और यहां पे आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा पिट का, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।